बनाई है, उसने का फ़ोन आया और मुझे लगा कि मैं जानता हूँ उसको अच्छा से, तो राखी को भी जानता हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे ऐसे मौके पे यहाँ होना चाहिए, तो मैं यहाँ हूँ। राकेश को बहुत सारी शुभकामनाएं कि उसने इस तरह की शॉर्ट फिल्म बनाई है, और शॉर्ट फिल्म मुझे लगता है आज के ज़माने की एक एक नई चीज़ है जो जिसे लोग बना रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों के पास, जिनकी अच्छी बनती हैं वो कांस से लेके गोवा से लेके दूर दूर तक फेस्टिवल में ले जा सकते हैं। तो वहाँ जब इस तरह की प्लेटफॉर्म बने हैं तो इसका मतलब कि वहाँ इन फिल्मों को देखने वाले लोग भी आते हैं, पसंद करने वाले होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि इन फिल्मों को देख के बड़ी फिल्मों के रास्ते खुलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह भी लोग शॉर्ट फिल्में जो भी लोग बना रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा चांस है कि वो अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाएं, ताकि उसका जरिए उनके नए रास्ते खुले। अब मुझे कोई मौका मिलेगा अच्छी फिल्म करने का तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एक अच्छा मैसेज, अभी मौका है हमारे पास एक शॉर्ट फिल्म में भी दे सकते हैं, और मुझे कोई मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। सर अगर एक बात करें काफ़ी हटके है, जैसे कि आर्टिस्ट के मुंह से कभी कुछ निकल जाता है, कलाकार होता है, तो क्या उसको सीरियस लेना चाहिए जो भी सलमान के चल रहा है, उसको क्या राय है आपकी? कभी कभी मुश्किल हो जाता है, आप बात करते करते कोई एग्जांपल निकल जाता है मुंह से और लोगों को उससे तकलीफ पहुंचती है, कभी कभी उसका मतलब जो कहता है उसका वो मतलब नहीं होता, लेकिन वो फ्लो में निकल जाता है, तो कुछ ऐसा ही हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि उनके चाहने वालों को उसे इग्नोर करें, शायद सलमान भी फील करते होंगे, या उनके घर वालों ने तो कहा ही है, उनके पापा ने भी कहा है कि वो उनको भी ठीक नहीं लगा है, तो मुझे लगता है इस बात को अब यहीं रहने दें, ख़त्म कर दें तो अच्छा रहेगा। अभी रनिंग प्रोजेक्ट में मैं एक मराठी फिल्म मैंने कंप्लीट की है जो नितिन देसाई साहब ने बनाई है, और एक भोजपुरी फिल्म की है, दो हिंदी फिल्में हैं, रक्तधार और एक तेज रफ्तार करके, तो इस तरह के प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ। कुछ एक दो पंजाबी फिल्में हैं जो शायद सितंबर अक्टूबर तक शुरू हो, तो यही है इस वक्त मेरे पास।